ये बच्चों अभी हम लोग प्रीपोजिशन में आगे बढ़ेंगे सिंस और फॉर यानी यूज ऑफ सिंस फॉर पढ़ने के लिए। सिंस फॉर में सबसे पहले हम लोग सिंस को देखेंगे। सिंस में ये है कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात कहने का मेरा मतलब ये है कि पास्ट टाइम यानी बीते हुए समय में कोई हम लोगों का कार्य स्टार्ट रहा होगा और प्लस में पास्ट टाइम की एग्जैक्ट जानकारी हो या उसे बताना हो तो हम लोग सिंस का यूज करते हैं। जस्ट इसके अपोजिट फॉर में हम लोगों का एग्जैक्ट जानकारी नहीं होती है, ये एक पीरियड होता है, टाइम ड्यूरेशन होता है, उस टाइम ड्यूरेशन को बताने के लिए अनिश्चित समय जो होता है उसको बताने के लिए पास्ट टाइम की एग्जैक्ट जानकारी ना हो तब हम लोग फॉर का यूज करते हैं। सिंस और फॉर, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज होता था, फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज होता था। दोनों में से हम किसी एक को अच्छी तरीका से जान लेते हैं तो स्वतः दूसरा अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलते हैं हम लोग सिंस को पढ़ने। सिंस को हम लोग अच्छा तरीका से जानेंगे, जिसको जिस किसी को भी डाउट होगा बोलेगा, ठीक है। सिंस जो होता है कैलेंडर के लिए यूज होता है, ठीक है। कैलेंडर में आपका डे आते हैं, डेट आते हैं, मंथ आते हैं, ईयर आते हैं, ओकेजन आता है। ओकेजन मतलब पर्व त्योहार। डे जैसे कि संडे के पहले हम लोग सिंस का यूज करेंगे, मंडे के पहले सिंस का यूज करेंगे। डेट हुआ 5th जुलाई, 2nd अक्टूबर हो गया, या कोई भी डेट हो, एग्जैक्ट डेट होना चाहिए, उस डेट के पहले भी हम लोग सिंस का यूज करेंगे। कोई भी मंथ हो गया, जुलाई हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, उसके पहले हम लोग सिंस का यूज करेंगे। कोई भी ईयर हो गया, 1992 हो गया, 1998 हो गया, 2000 हो गया, 2005 हो गया, 2012 हो गया, उसके पहले हम लोग सिंस का यूज करेंगे। कोई ओकेजन हो गया, होली, दिवाली, ईद, दशहरा, डेट, बर्थडे, उसके पहले भी हम उसका सिंस का यूज करेंगे। सिंस का यूज ये रहा कैलेंडर वाली पार्ट्स। आगे हम देखेंगे कुछ ऐसे वेरियस पार्ट्स होते हैं जैसे कि स्टेज ऑफ लाइफ। स्टेज ऑफ लाइफ के पहले भी हम लोग सिंस का यूज करते हैं, जैसे कि चाइल्डहुड हो गया, बॉयहुड हो गया, और वगैरह वगैरह और भी होते हैं। देखिए क्लॉक के पहले भी हम लोग टाइम, एग्जैक्ट टाइम के पहले हम लोग सिंस का यूज करते हैं, जैसे कि 7 PM, 8 PM, 7 o'clock, उसके पहले हम लोग सिंस का यूज करेंगे। पार्ट्स ऑफ ईच डे यानी किसी भी डे के उसके पार्ट्स के बारे में भी हम लोग उसका यूज करेंगे, जैसे कि मॉर्निंग हो गया, मॉर्निंग के पहले, इवनिंग के पहले, जैसे कि समय किसी भी मॉर्निंग्स में हम काम करते आ रहे हैं अभी तक, उसके पहले हम लोग सिंस का यूज करेंगे। इवनिंग के लिए करेंगे, लास्ट मंथ के लिए करेंगे, ठीक है, लास्ट नाइट के लिए करेंगे, लास्ट वीक के लिए करेंगे। अगर लास्ट के बाद अगर मंथ, वीक, डे आ जाता है उसके लिए भी सिंस का प्रयोग करेंगे। सम प्रैक्टिस के लिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जैसे आई हैव बीन वॉकिंग, मैं टहल रहा था। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 आवर्स दिया हुआ है, इसको पहचानने के लिए सिंपल सा बात है कि यहाँ पर देखेंगे कि ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पर मैच कर रहा है, दैट मीन्स इसमें सिंस एग्जैक्ट नहीं होगा, यहाँ पर फोर का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। अगला हम लोग का क्वेश्चन देखा जा रहा है। क्वेश्चन में है कि यहाँ पर भी हम लोग देख रहे हैं ईयर्स है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईयर्स के पहले लगाया जाएगा सिंस का प्रयोग, लेकिन यहाँ पर फोर का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर कहा है कि नेम ऑफ ईयर, ईयर का नेम होना चाहिए, ईयर्स नहीं होना चाहिए इसके बाद, इसलिए यहाँ पर फोर का प्रयोग करेंगे। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया हुआ है आपका 2 months, यहाँ पर आप बोलिएगा कि मंथ लिखा हुआ है उसके पहले नहीं, मंथ के नेम के पहले सिंस का प्रयोग करेंगे, मंथ के पहले नहीं करेंगे, इसलिए यहाँ पर फोर का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर दिया हुआ है सी हैड बीन ब्लाइंड, वह अंधा है कब से, तो बचपन से, चाइल्डहुड से। तो यहाँ पर चाइल्डहुड स्टेज ऑफ लाइफ है, उसके लिए हम लोग प्रयोग करेंगे सिंस का। चलिए हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 2 days, ये आपका 2 days आपका पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, ये आपका पीरियड है, इसलिए यहाँ पर हम लोग फोर का यूज करेंगे। नेक्स्ट,
चाइल्डहुड ये हम लोगों का स्टेज ऑफ लाइफ है, इसलिए यहां पर हम लोग सिंस का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम लोग यहां पर देख रहे हैं होली है। होली हम लोगों का क्या है, कोई ना कोई ओकेजन है, एक प्रकार का ओकेजन है, इसके लिए भी हम लोग सिंस का यूज करेंगे। बॉयहुड ये हम लोग का स्टेज ऑफ लाइफ है, इसलिए यहां पर भी सिंस का यूज किया जाएगा। ठीक है, ईद, ईद हम लोगों का ओकेजन है, पर्व त्योहार है, इसलिए यहाँ पर भी हम लोगों का सिंस का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों का मंडे दिया है, यानी किसी भी डे का नाम दिया हुआ है, उसके पहले भी हम लोग अभी तुरंत सीखे हैं कि हम लोग सिंस का यूज करेंगे। 2 o'clock लिखा गया है, 2 बजे हम लोगों का फिक्स टाइम है, इसलिए यहाँ पर भी सिंस का ही यूज किया जाएगा। ठीक है, एन आवर एक घंटा, एक घंटा मतलब कौन सा एक घंटा, अगले एक घंटा या पिछले एक घंटा, कब नहीं पता है, एग्जैक्ट पता नहीं है, इसलिए पीरियड ऑफ टाइम हुआ, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, फोर का यूज करेंगे। इवनिंग यानी शाम से, यानी ये शाम हम लोगों का जब कभी भी दिया है, ये पार्ट्स ऑफ ईच डे है, हम लोग पार्ट्स ऑफ ईच डे के पहले हम लोग सीन्स का यूज करते थे, इसलिए यहाँ पर भी हम लोग सीन्स का ही यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लास्ट मंडे, पिछले मंडे से कह रहा है, तो यहाँ पर भी हम अभी बताए हैं आपको, लास्ट मंथ हो या वीक हो या डे हो या नाइट हो, उसके पहले भी हम लोग सीन्स का ही यूज करते हैं। बट यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि लास्ट के बाद डायरेक्ट आपका वीक आ जाता है, या तो मंथ आ जाता है, या तो डे आ जाता है। ठीक है, उसके लिए हम लोग डायरेक्ट सीन्स का प्रयोग करेंगे, लेकिन लास्ट के बाद कोई भी काउंटिंग वाला नंबर आ जाता है तो हम लोग वहां पर फोर का ही यूज करेंगे। यहाँ पर कंफ्यूज होने के लिए आप लोगों को इतना पर्याप्त काफी था, लेकिन हम लोग यहाँ पर कंफ्यूज ना होंगे।